हेलो एवरीबॉडी, आप लोगों के सामने आने का बहुत ही हमें इंतज़ार रहता है और हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। वैसे क्वेश्चंस और आपका हमारा रिस्पांस, आपका रिस्पांस हमारे वीडियोस पे बहुत ही मोटिवेशनल है, तो हमें आपके सामने आने का इंतज़ार रहता है। हम बार बार आपके सामने आते रहते हैं। हमारे फैंस एंड फ्रेंड्स, प्रशंसकों और दर्शकों के लिए मैं आज वापस आई हूँ #AskIIIM के प्रश्न लेके। और आज का हमारा प्रश्न है, अलंकार सावंत ने हमें पूछा है, मैम ईरान के लिए पेमेंट टर्म्स कैसे क्लियर करें और ईरान एक्सपोर्ट अभी हम कर सकते हैं, ये सही वक्त है? अलंकार, आपका प्रश्न जो है सही है, क्योंकि बहुत खलबली मची है आजकल विश्व में, कई देश में है, कई देश में नहीं है। सो अलंकार, बिफोर आंसरिंग योर क्वेश्चन, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम तृप्ति शाह फ्रॉम IIIM और मुझे गर्व है कि मैं आप लोगों के प्रश्न के उत्तर दे रही हूँ। अलंकार जी, ईरान में हमें जो पेमेंट टर्म्स तय करते हैं वो इंडियन रुपीस में हम पेमेंट करते हैं, हमारे सारे इनवॉइसेस इंडियन रुपीस में ही बनते हैं और सिर्फ दो बैंक हैं जो आपको ईरान में एक्सपोर्ट करने के लिए इंडिया ने खास तौर पे उनको निमा है। नाउ दीज बैंक्स आर IDBI बैंक एंड यूको बैंक, UCO, यूको बैंक एंड IDBI बैंक्स। नाउ दीज बैंक्स, आपकी चाहे कोई बैंक हो, मेरी बैंक है SBI और मुझे ईरान में एक्सपोर्ट करना है, तो मैं SBI बैंक को एक लेटर लिखूंगा और बोलूंगा कि मुझे क्योंकि ईरान में एक्सपोर्ट करना है या इम्पोर्ट करना है ईरान से, तो आप मुझे IDBI बैंक का एक लेटर दे दीजिए। और IDBI बैंक में मैं लेटर दूंगा कि मेरा SBI में ये फला फला अकाउंट नंबर है और मेरे जो भी पैसे आते हैं ईरान से वो आप मेरे अकाउंट में जमा करवा देना। ये एक प्रोसीजर होती है, क्योंकि INR में ईरान इज अ सैंक्शनड कंट्री, ईरान एक ऐसा देश है जिसके ऊपर सैंक्शन लगा हुआ है, इसलिए कोई ईरान के साथ ट्रेड या फॉरेन ट्रेड या एक्सपोर्ट इम्पोर्ट नहीं करता है। पर भारत इसलिए करता है ईरान के साथ क्योंकि हमारे रिलेशनशिप बहुत पुराने हैं ईरान के साथ। नंबर टू, हमारा ऑयल और गैस, पेट्रोलियम वगैरह ईरान से आता है, सो हमारे जो संबंध हैं ईरान के साथ वो संबंध को आगे बढ़ाते हुए हम ईरान के साथ व्यापार करते हैं और ये व्यापार हम सिर्फ INR इंडियन रुपीज में ही करेंगे। और जो हमारे प्रोडक्ट्स होंगे वो सिर्फ खाने पीने के प्रोडक्ट्स, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स या फिर दवाइयाँ, यही चीज़ों के लिए हमें ये अप्रूवल मिली है। तो आप ज़रूर से ध्यान रख के एक्सपोर्ट करें, अगर ईरान में एक्सपोर्ट करना है तो आपको ये करवाना ज़रूरी होगा। दिस इज़ द GFT नोटिफिकेशन ऑफ 219 में हमने ये तय किया है। थैंक यू अलंकार जी एंड थैंक यू ऑल माई व्यूअर्स फॉर लिसनिंग टू अस पेशेंटली। यदि आपको ये जवाब अच्छा लगा हो, आपको लगा हो कि ये आपको उपयोगी हैं, प्लीज़ लाइक आवर वीडियो। आप हमारे वीडियो को शेयर भी अपने मित्र के साथ कीजिए और सब्सक्राइब करवा दीजिए हमारी चैनल को, बेल आइकन ज़रूर से प्रेस करना ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। मैं एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगी आप सबसे, IIIM का एक फ्री मोबाइल एप्लीकेशन है जो आप डाउनलोड कर सकते हैं एंड you can keep it with you on your mobile for various answers to your export queries and import questions. Aap ye application download zarur se kare. Thank you so much.